वन विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने उनकी पेमेंट ठेकेदार के माध्यम से देनी शुरू कर दी, जो उन्हें मंजूर नहीं है। ठेका प्रथा समाप्त किया जाना चाहिए। विरोध के बाद सरकार ने साल 2021 में पत्र जारी कर पेमेंट सुचारू रूप से देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन प्रश्न अब भी पेमेंट ठेकेदार के माध्यम से ही दिलवा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के बाहर धरने पर बैठे आज 8वां दिन कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। धरने पर सीटू के कर्मचारियों ने समर्थन देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। अनिल विज की कोठी का घेराव करने की चेतावनी दी अगर मांगे पूरी नहीं हुई। 7 तारीख से बैठे हैं और आज 8वां दिन चल पड़ा है। पूरे जिले में कितने कर्मचारी हैं आप लोग? पूरे जिले में हमारे अब 60-70 से ज्यादा है। तो कुछ मांग मानी है आप? मांगे कुछ नहीं मानी है, सिर्फ अपना ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन दे दिया। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला था 2-3 दिन में मैं दे दूंगा। हाँ, तो वो 2-3 दिन के बाद 8 दिन हो गए हैं और कोई आश्वासन नहीं है। झज्जर जिले में वन विभाग के कर्मचारियों ने DFO कार्यालय के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाती धरना चलता रहेगा। झज्जर से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।